हमने सुना है उनका अर्थ था कि जो जिसके अंदर इस तरह का सोच है उसको समाप्त करना चाहिए उन्होंने किसी जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया हाँ जिस शब्द का इस्तेमाल किया है उसका व्यापक अर्थ है और उनका कविता का सार है व्यापक हाँ उसको थोड़ा सा कम करके देखने की आवश्यकता नहीं है हाँ, जिसके अंदर भी उस तरह का सोच है उसको समाप्त करने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक तमाम कार्यालयों का ज, में पहुंच जा रहे हैं मंत्री पहुंच रहे हैं या नहीं अधिकारी पहुंच रहे हैं या नहीं तमाम लोगों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं और कह रहे हैं समय पर आइए मदन सहनी जी हमारे साथ हैं बिहार सरकार में मंत्री हैं जेडीयू डी यू नेता भी हैं मदन सहनी जी समय पर कार्यालय पहुँच पा रहे हैं नहीं हम भी गए हैं और हम लोग तो पहले थोड़ा सा लेट से जाते थे इसमें छुपाने की बात नहीं है लेकिन समय का महत्व होता है और समय को जो पहचानते हैं वही सफल भी होते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पाठ पढ़ाया है चाहे वो मंत्री हो या विधायक हो या जो अधिकारी हैं सब के लिए महत्वपूर्ण है और जनता इस बात से खुश है कि मुख्यमंत्री जी सभी को सक्रिय कर रहे हैं जो इतना काम देखने को आज मिल रहा है यह मुख्यमंत्री जी की सक्रियता है और अकेले मुख्यमंत्री जी सभी काम को देखेंगे यह उचित नहीं है और मुनासिब भी नहीं है और संभव भी नहीं लेकिन सबको सक्रिय समय समय पर करते रहते हैं तो हम लोग इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके से सीख ले रहे हैं मदन सबको सीखने की ज़रूरत है हम भी सीखें हम भी गए हैं साढ़े नौ बजे और जाएंगे समय पर जाने से काम ज़्यादा होता है इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है और समय पर काम होना चाहिए इससे जनता को फ़ायदा होता है और जनता के फायदे के लिए हम सब लोग हैं इसलिए जनता इस बात से खुश है राजद कोटे से जो मंत्री हैं क्या वो पंचवल नहीं है क्या वो सीख नहीं ले रहे हैं क्योंकि प्रोफेसर चंद्रशेखर जो कि शिक्षा मंत्री हैं दो बार कार्यालय में नहीं मिले हैं मुख्यमंत्री नहीं कल तो वो भी समय से पहले गए हैं हाँ। यही तो मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि सब लोग पहुँचे हाँ। तो थोड़ा समय लगेगा चूंकि ग्यारह बजे दस बजे जाने का लोग का आदत था तो उसमें तो थोड़ा समय लगेगा लेकिन लोग पहुँचना शुरू कर दिए अच्छा कांग्रेस दस सीटों पर उन्होंने दावा किया है पिछले बार नौ इस बार दस अब ये तो बैठ कर के तय करने वाली बात है ना सबको ज़्यादा से ज़्यादा सीट का डिमांड करते हैं कहाँ इसमें कोई संदेह है सब चाहेंगे कि हमको ज़्यादा मिले लेकिन उसी में गुंजाइश करना है जो सीट तो 40 तय है और इस 40 में ही सही सबको देना है तो सभी वरिष्ठ नेता बैठेंगे सब बैठ करके तय कर लेंगे और जो तय करेंगे वही सर्वमान्य होगा और मांग करने के लिए सभी स्वतंत्र हैं अच्छा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर कहते हैं और आप लोग भी कहते हैं कि आ, तमाम जो जाति सूचक वर्ड हैं उनसे बचना चाहिए और जातियों जाति के चीज़ों में ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए मनोज झा ने सदन के अंदर जो बयान दिया जे उसे किस रूप में देखती है ये बताइए नहीं ये देखिए इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा हाँ। और उस जो सदन का प्रक्रिया था उसको भी हमने देखा है उन्होंने किसी जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया हाँ जिस शब्द का इस्तेमाल किया है उसका व्यापक अर्थ है हाँ। और उसको जो है किसी एक जाति से नहीं जोड़ने की आवश्यकता है ये हम लोग का आग्रह है आ, उसका मतलब यही है कि जो आदमी को सोच है वो किसी जाति सूचक के तरह नहीं होना चाहिए व्यापक होना चाहिए और उनका कविता का सार है व्यापक हाँ।, हाँ उसको थोड़ा सा कम करके देखने की आवश्यकता नहीं हाँ जिसके अंदर भी उस तरह का सोच है उसको समाप्त करने की आवश्यकता है और जो कोई इस पर बोल रहे हैं उनके बात को भी हम लोग अनथा नहीं ले रहे हैं उनको व्यापक रूप उनको व्यापक टारगेट कि किया जा रहा नहीं, है तो नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं, किया ये, गया ये, ये इस पर हम लोग बहुत ज्यादा आ, अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते हैं नहीं, नहीं ये ये हम नहीं कह सकते ये तय उन लोग को करने दीजिए इस बीच में हम लोग बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे हम लोग इतना ही कहेंगे कि हमने सुना है उनका अर्थ था कि जो जिसके अंदर इस तरह का सोच है उसको समाप्त करना चाहिए और व्यापक रूप से सोच करके सभी के हित में काम कर रहे हैं कि भाई जान दे भी सकते हैं जान ले भी सकते हैं वो तो कहने के लिए स्वतंत्र है सभी लोग स्वतंत्र हैं चलिए ये मदन सहनी थे स्पष्ट रूप से कहते नज़र आ रहे हैं कि सदन के अंदर मनोज झा जो कुछ कह रहे थे और उसका जो अर्थ है वो कुछ और है मगर मायने कुछ और निकाले जा रहे हैं खैर इस वीडियो में इतना ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया